हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये देखिए जो मैंने आपको रंगोली स्टाइल प्यारी सी ड्रेस कान्हा जी की बनाना सिखाई थी, ये उसके ऊपर मैं आपको उसकी चोली के ऊपर ये बॉर्डर बनाना और उसकी ये प्यारी सी कैप बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके यह जरूर बताइए कि आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में उनको सुधार सकूँ। और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी गोपाल जी की ऐसी प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाना घर पर ही सीख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हम चोली में ये बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। उस बॉर्डर बनाने के लिए हम ये देखिए इस रेड ऊन का यूज़ करेंगे। इसके लिए ये देखिए हम अपनी चोली के ये देखिए ये जो चेन है, इस चेन में से हम फ्रंट से क्रोशिए को बैक साइड लेकर जाएंगे और अपने इस रेड वूल को ऐसे डालकर और यहाँ से निकालेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हम एक क्रोशिए से इस तरीके से नोट लगाएंगे और पीछे से हम इस धागे को खींच देंगे तो हमारा ये नॉट लग जाएगी यहाँ पर। और फिर हम इसको ऐसे फिर से हम इसके अंदर डालेंगे और इसको ऐसे लेंगे और ये हमारा हाफ क्रोशिया इसके अंदर आ गया है। हम एक बार और हाफ क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर ऐसे डालकर इस तरीके से। और अब ये जो हमारा नेक्स्ट जो है, ये देखिए इस चेन के जो नेक्स्ट हो चेन का होल है, हम फिर से इसको इसमें लेकर जाएंगे और हाफ क्रोशिया दो बार हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में ऐसे हाफ क्रोशिया बनाते हुए हम हर चेन के होल में दो दो बार हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए ये हमारा बॉर्डर कुछ इस तरीके से आता जाएगा। अब ये देख ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और हाफ क्रोशिया दो बार बना लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक की साइड आ गए हैं। तो जब हम ये नेक की साइड आएंगे तो हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद फिर जो ये नेक वाली चेन है इसमें ले जाकर फिर से वही हाफ क्रोशिया करेंगे। हम दो बार हाफ क्रोशिया हमने यहाँ पर कर लिया तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। देखिए अब हम अपनी ये जो हमारी नेक के ऊपर की जो चेन है इसके अंदर हम फिर से हाफ क्रोशिया करेंगे। आप चाहें तो अगर इसको आप बड़ा दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन तीनों को डबल हाफ क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड, इन तीनों को हम एक में से निकाल देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा थोड़ा हैवी और लंबा आ जाएगा। तो ये हम एक में एक ही बार करेंगे। इस तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे यहाँ पे करते हुए मैं अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ। मैंने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाया है मैंने और यहाँ पर दो चेन लेकर फिर हाफ क्रोशिया यहाँ तक करते हुए मैं लास्ट चेन तक अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ। अब मैं इसको फिर से एक चेन बनाऊँगी। सॉरी, देखिए मैं एक चेन बनाऊंगी और यहाँ पर अपने वर्क को कट कर दूंगी। थोड़ा सा बड़ा धागा कट करेंगे ताकि हम पीछे इसको एडजस्ट कर सके। और इसको मैंने ऐसे एक नॉट लगा दी है और इसको हम पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाकर ये जो हमारा पहला धागा था इसमें हम इसको नॉट लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा फ्रंट ऐसे लग रहा है। अब हम
बाजू पर करेंगे, तो बाजू के लिए भी हम वही करेंगे। ये देखिए हम अपना, ये देखिए जो बाजू की ये जो चेन्स है, हम इसमें ये देखिए जो यहाँ से जहाँ से हमने ये आर्म होल बनाया है, इसके यहाँ से हम ऐसे ये क्रोशिया ले जाएंगे और इसमें अपनी ये वूल डालकर और इसको ऐसे यहाँ लेकर आएंगे और इसको ऐसे ये चेन बनाएंगे। और जैसे हमने ने यहाँ पर किया था, हम पीछे वाला धागे को खींच देंगे तो हमारी ये नॉट लग जाएगी। और यहाँ से हम ऐसे पकड़कर फिर हम इसी में ही एक बार और ले जाकर और हाफ क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा दो बार हो गया है। अब इसके नेक्स्ट में वैसे ही फिर से हम करेंगे दो बार, 1 2। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी ऐसी चेन्स जो आ गई हैं, हम चेन्स के इस वाले, ये देखिए जो चेन का जो ऊपर वाला पोर्शन, हम इसमें एक एक बार करेंगे हाफ क्रोशिया, ये देखिए, फिर इसमें हाफ क्रोशिया, हाफ क्रोशिया, ये देखिए ये ऐसे बनता जा रहा है हमारा। तो बैक साइड ले जाएंगे हम, ये देखिए अब ये जो हमारी चौड़े वाली चेन आ गई है, देखिए जो हमारी लंबी वाली चेन है, अब हम इसमें ले जाकर फिर से भाई दो बार हाफ क्रोशिया करेंगे इसके अंदर हम इस तरीके से। और ये देखिए ये हमारा लास्ट था। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और अपने धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे, देखिए, और हम इसको खींच देंगे और इन दोनों धागों को हम अंदर ले जाएंगे। देखिए अंदर की साइड ले जाकर हम इनमें नॉट लगा देंगे इस तरीके से। और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। तो ये हमारी, ये देखिए इस तरीके से हमारी ये आर्म होल हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम ये दूसरा भी बना लेंगे। जैसा हमने यहाँ बनाया वैसा ही हम दूसरा इधर भी बना लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अब ये कैप बनाएंगे। और इस कैप में भी ये देखिए हमने ये ब्लू कलर, पिस्ता ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर का यूज़ किया है जो हमने ड्रेस में बनाया था। तो अगर आपको यह मैंने 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है फ्रेंड। तो चलिए हम कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कैप बनाने के लिए सबसे पहले वही पिस्ता ग्रीन कलर अपना लेंगे और मैंने यहाँ पर 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है कैप बनाने के लिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी वुल में ऐसे नॉट लगा लेंगे और ऐसे अपनी उंगली मर में अपनी वूल लपेटते हुए जो हमने ये नॉट लगाई है इसके पास से ही अपना क्रोशिए का ये हुक लेकर जाएंगे और यहाँ से वूल लेते हुए इस तरीके से पकड़ते हम यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर एक हम चेन बना लेंगे। तो एक हमारी ये चेन काउंट हो गई है। और हमने कैप में फ्रेंड्स बहुत छोटी चेन्स बनानी है, ज़्यादा बड़ी चेन नहीं बनानी है हमें, 1 2। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही चेन लेंगे। और अब हम यहाँ पर अपने डबल क्रोशिया करेंगे, 28 टाइम्स हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हम 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो इसी हुक में हम ऐसे ले जाते हुए हम ये देखिए ऐसे 28 बार इस धागे को हम थोड़ा सा खींच देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा हुक। और हम इसको ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पर हम एक जो हमने दो चेन करी थी, एक ये हमारे दो, और इसी तरीके से हम इसमें ऐसे
बनाते हुए, और हमें बहुत छोटे करने हैं फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने हैं अपने हुक्स, जो भी हम ले रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बनाते हुए हम इसके अंदर 28 क्रोशिया करेंगे। इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये जो एक हमने 2 चेन ली थी, एक वो और 3 ये, ऐसे हमारे ये 4 हो गए हैं। ऐसे ही मैं इस पूरे राउंड में अपने करते हुए 28 डबल क्रोशियास इसमें बना लूँगी इस तरीके से, देखिए। और हमें ये जो अपने फंदे हैं ये ज़्यादा बड़े करके नहीं लेने हैं कैप में, बिल्कुल छोटे लेने हैं। तो ऐसे ये हमारे हो गए हैं 5, हम 28 तक इनको बनाते हैं। ऐसे ही करते हुए अपना पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और 28 डबल क्रोशे इसमें बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये 28 क्रोशे कर लिए हैं, और ये देखिए मैंने बिल्कुल लूज़ नहीं लिया, एकदम टाइट टाइट अपने बनाए हैं, क्योंकि अगर हम बड़ा कर देंगे तो कैप बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने ऐसे किया। अब हम इस धागे को, ये देखिए ये जो हमारा ये वाला धागा था जिससे हमने नॉट बनाई थी, इसको हम पकड़कर इस तरीके से खींच देंगे तो ये हमारा राउंड छोटा हो जाएगा, हमारा सर्कल यहाँ पर, ये इस तरीके से हमारा सर्कल छोटा हो जाएगा। ये देखिए हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से आ गया है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हम इसको बाद में धागे को एडजस्ट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा ज़्यादा बड़ा है इसको हम कट कर देंगे जब कैप बन जाएगी हमारी, और इसमें हम बाद में इसको कैप बनने के बाद एडजस्ट कर देंगे। अब हमारा ये सर्कल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसको, ये देखिए जो हमने 2 चेन बनाई थी उसकी सेकेंड चेन में ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, देखिए मैंने कर दिया हमारा सर्कल, ये इस तरीके से आ गया है। अब हम फिर से 1, अगर आप 3 बड़ी छोटी बना रहे हैं, देखिए मैंने बिल्कुल खींच के धागा बनाया है, तो 3 चेन बनाइएगा। अगर आप लूज ले रहे हैं तो 2 ही चेन बनाइएगा, मैंने खींच के धागा लिया है इसलिए मैंने 3 चेन्स बनाई हैं यहाँ पर। अब ये देखिए जितने भी हमारे ये 28 हमने क्रोशिए किए थे, इसके ऊपर ही हम फिर से 28 क्रोशियस अपने डबल क्रोशिए बनाएंगे, और लूज नहीं बनाएंगे, जैसे टाइट हाथ लेकर धागे को खींच कर ही हम 28 पर 28 बनाएंगे। ऐसे ही हम 28 पर 28 के ये अपने सर्कल 4 राउंड्स हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये हमने अपनी 2 चेन्स पर ये जो 3 चेन्स बनाई है, उसके जो नेक्स्ट वाला जो ये क्रोशी डबल क्रोशिया है इसमें ले जाकर हम अपना डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ऐसे नेक्स्ट चेन में ले जाकर हम हाथ धागे को खींचते हुए बिल्कुल, और छोटा ऐसे हम डबल क्रोशिए ऐसे अपने हर चेन में ले जाकर, ये देखिए इस तरीके से हम हर चेन में ले जाकर ये देखिए ये कुछ बनकर ऐसा दिखेगा। देखिए मेरे कितने छोटे स्टिच आ यहाँ पर क्रोशे आ रहे हैं। ऐसे ही आप हाथ को खींचकर बनाइएगा, और ऐसे ही मैं यहाँ तक करते हुए अपना राउंड कंप्लीट करूँगी। और ये जो मैंने 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में ले जाकर स्लिप स्टिच से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। ऐसे ही करते हुए हम अपने 4 राउंड कंप्लीट करेंगे, हर 28 पर 28 करेंगे, और फिर बाद जो हम 3 चेन्स बनाएंगे स्टार्टिंग में उसमें ले जाकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे करते हुए हम अपने 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 4 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने अपने 4 राउंड बना लिए हैं 28 के ऊपर 28। ऐसे मेरे ये 4 राउंड कंप्लीट हो गए और हमारी ये कैप की शेप आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आगे, ये देखिए फ्रेंड जो हम डबल क्रोशिए बनाते हैं, ये देखिए उसके ऊपर, ये देखिए ये जो हमारी 2 चेन्स ये ऐसे बन जाती हैं, ये देखिए 1 और 2 2 धागे हमारे ऊपर आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही जो हम 3 चेन्स बनाएंगे वो बिल्कुल धागा खींचकर हमें छोटी चेन बनानी है। ये देखिए ऐसे,
और जो हमने तीन चेन बना ली, अब जो इसका नेक्स्ट, ये देखिए जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उसमें ले जाकर अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ये दो चेन्स हैं, एक ये री, तो जो बाहर वाली है जो आउटर सर्कल की है वो वाली नहीं, जो इनर सर्कल वाली जो चेन है, ये देखिए ये जो इनर सर्कल वाली जो चेन है अब हमें उसमें ले जाना है। वैसे हम क्या करते हैं, हम इन दोनों चेन्स में अपना क्रोशिया हुक डालते हैं, तो दोनों में ना डालकर हमें क्या करना है, जो हमारा जो इनर वाला सर्कल की जो फर्स्ट की है इसके अंदर ले जाकर हमें अपना क्रोशिया बनाना है। देखिए कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको, हम ऐसे हुक डालेंगे और ये देखिए जो हमारी अंदर वाला सर्कल की, ये देखिए जो अंदर वाले सर्कल की जो चेन है इसमें ले जाते हुए हमें अपने डबल क्रोशिया बनाना है। सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने बनाया है, बट इसमें बस क्या करना है, जो हमारा अंदर वाला जो है इसमें हम ले जाते हुए अपना डबल क्रोशिया, ऐसे ही धागा खींचते हुए ऐसे हम जो अंदर वाली जो हमारा है, ये देखिए इसमें ले जाते हुए, तो देखिए ये कुछ दिखने में ऐसा लगेगा। ये देखिए जो हमारा बाहर का धागा है, ये हमारा बाहर एज इट इज नज़र आ रहा है। ये हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ से हम अपना डिज़ाइन बाद में स्टार्ट करेंगे इससे, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे छोड़ा है। जो हमारा फ्लावर है वो हमारी कैप के ऊपर आएंगे, उसके लिए हम यहाँ से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने ये आउटर वाले इनर वाले से हमने ये ऐसे करना है। तो ऐसे ही हम करते हुए अपने टू सर्कल्स कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने ये यहाँ पर करा है केवल, दूसरे में हम ऊपर से इन दोनों को ही ऐसे दोनों को ही लेंगे जैसे हमने नीचे करा था, बस एक सर्कल में हमें ये पीछे से करना है। तो ऐसे करते हुए मैं अपने दो सर्कल कंप्लीट करूँगी, 28 के ऊपर 28 जैसे हमने नीचे करा है। यहाँ पर आकर वही जो हमारी तीन चेन है, हम तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और ऐसे करते हुए मैं अपना ये वाला सर्कल कंप्लीट करूँगी और दूसरा सर्कल फिर हम वैसे ही करेंगे अपने दोनों, ये देखिए ऐसे दोनों में ही ले जाकर और फिर हम इसको दूसरा भी अपना सर्कल ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना ये राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मेरे टोटल 6 राउंड हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 राउंड हो गए हैं। फोर्थ राउंड पर हमने ये वाला धागा आगे वाला स्किप किया था, खाली पीछे वाले धागे में ली थी और ऊपर वाले में हमने दोनों में ली है। अब हमारा इस धागे का वर्क ख़त्म हो गया है, तो इसमें हम इसको एक चेन बनाकर और इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए ये धागा हमने कट कर दिया है, बाद में हम इन सब धागों को अंदर ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। इसको भी हम अंदर की साइड क्रोशिए हुक से, ये देखिए इस तरीके से हम इसको अंदर ले जाकर इस तरीके से एक्स्ट्रा को, ये बहुत बड़ा है, इसको हम कट करके और बाद में हम इन सबको नॉट लगाकर अच्छे से सुई धागे से एडजस्ट कर देंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए हमारा ये ऐसे कैप हमारी इस शेप की आ गई है। तो चलिए अब ये हमारे हमने शुरू से लेके एंड तक 28 डबल क्रोशियो पर हमने 28 डबल क्रोशियो बनाए हैं और ऐसे हमने अपने ये 6 राउंड कंप्लीट करे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपना ये ब्लू धागा लेंगे और क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो फोर्थ हमारी रो है जिसमें हमने एक धागा बाहर वाला स्किप किया था और अंदर वाले में से हमने चेन ली थी, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ से हम जॉइंट करते हैं, ये जहाँ से हम जॉइंट करते हैं उसकी एक हम ऐसे, ये देखिए ऐसे हम चेन में, यहाँ पर ये चेन है देखिए दिख रही है, इसमें हम अपना क्रोशिया हुक डालेंगे और ये ब्लू ऊन को हम अपने क्रोशिया हुक में फंसा कर इसको बैक साइड ऐसे ले जाएंगे और इसको पकड़कर हम यहाँ पर खींच देंगे, तो हमारा ये अंदर की साइड चला जाएगा और हम यहाँ से देखिए अंदर की साइड से इस धागे को ऐसे पकड़ लेंगे हम। और हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा बाहर आउटर वाला ये जो हमारा धागा जो हमने स्किप किया था, ये देखिए ये जो दिख रहा है हम इसके अंदर, ये देखिए जो दिख रहा है हम इसके अंदर अपना क्रोशिया हुक लेकर जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और हम इसमें एक चेन बनाएंगे, पीछे से हम धागा पकड़े रहेंगे ऐसे उंगली से और ऐसे हमारा ये एक चेन आ जाएगी, इसमें हम एक चेन
और बना लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये धागा यहाँ पर स्टार्ट हो गया और इसमें नॉट लग गई है। अब हमारे ये हमारी दो चेन हो गई हैं, तो ये हमारा एक हाफ क्रोशिया माना जाएगा। और अब हम एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे कि हमने अपनी ड्रेस में किया था वैसे ही करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हम ये कैप बना रहे हैं तो हम डबल क्रोशिया ना बनाकर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हमारे दो चेन हाफ क्रोशिया काउंट हो गई और एक चेन एक्स्ट्रा हम लेंगे, एक चेन जो हम बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इसका नेक्स्ट वाला धागा है इसमें ले जाकर फिर से हम क्या करेंगे, हाफ क्रोशिया, फिर से चेन, और ये देखिए फिर हर ये जो हमने धागा स्किप किया था बाहर वाला इसमें ले जाकर हाफ क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट में जाएंगे हाफ क्रोशिया और चेन। देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमारा, ये देखिए 1 2 3 4 हाफ क्रोशिया चेन, हाफ क्रोशिया चेन, हाफ क्रोशिया चेन, ऐसे करते हुए हम अपना यहाँ तक अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और 28 पर हम 28 हाफ क्रोशिया और चेन बनाते हुए यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है, हाफ क्रोशिया चेन, हाफ क्रोशिया चेन, ऐसे करते हुए मैंने यहाँ तक अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया। और ये भी हमारे पूरे 28 आए हैं, क्योंकि हमारे 28 ही डबल क्रोशिया से 28 के ऊपर हमने ये 28 अपने ये बना लिए हैं। और ये ऐसे करते हुए मैं अपने राउंड के एंड तक पहुंच गई हूँ। और अब हम इसमें हमने हाफ क्रोशिया चेन बना ली है। अब हम इसके ये जो हमने फर्स्ट में जो हमने दो चेन ली थी इसमें हम इसको ले जाकर स्लिप स्टिच से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन कर दिया है और एक चेन बनाकर मैं इसको कट कर दूंगी। इसका वर्क यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो देखिए ये हमारे 28 पर हमारे ये 28 ऐसे आ गए हैं। अब हम फिर से अपना ये पिस्ता ग्रीन कलर वाली वूल लेंगे और इसको जहाँ से हमने देखिए अपना वर्क अभी ख़त्म किया है वहीं से हम इसको फिर से ज्वाइन कर लेंगे अपने धागे को। इसको हम इधर ले लेंगे, इसको हम नीचे एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने ले लिया, हमारा धागा स्टार्ट हो गया एक चेन बनाकर। ये देखिए हमारा धागा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब हम इसको, हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है तो हम इसको 3 चेन्स बनाएंगे। धागा हमें खींच कर ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो ये आ गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने देखिए फ्रेंड जो हमने अपनी चेन्स बनाई थी, ये जो हाफ क्रोशिया के बाद जो चेन्स बनाई थी हमें इसके अंदर लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी चेन के अंदर लेकर जाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाना है तो बल लेंगे। तो देखिए एक में से हमारे दो हो गए हैं, दो हमारे ये हो गए हैं। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर जो हमने चेन बनाई थी उसमें से ही हमें लेना है। तो हम दो डबल क्रोशिए, हर चेन में से दो डबल क्रोशिए, फिर एक चेन, फिर ये जो हमारा बीच का पोर्शन था हाफ क्रोशिए के बाद ये जो चेन वाला पोर्शन था इसमें से लेंगे। और ये वाले धागे भी हम साथ में लेते रहेंगे ताकि कि ये ऐसे एडजस्ट हो जाए हमारे। तो ये डबल क्रोशिया बनाना है फ्रेंड्स, देखिए ऐसे नीचे से इन धागों को भी हम दोनों धागों को ऐसे ले लेंगे ताकि ये हमारे अंदर ही एडजस्ट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से दो ये हमारे डबल क्रोशिया आ गए हैं। फिर अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर आगे हम फिर से जो हमारा चेन वाला पोर्शन है इसमें ले जाकर ये देखिए ऐसे, और ये नीचे से हम ये दोनों धागे भी अपने क्रोशिए में लेते हुए इस तरीके से। ये देखिए
धागों को हम नीचे से एडजस्ट करते जाएंगे इस तरीके से, और फिर एक चेन। तो इस तरीके से हम ये बनाते हुए यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट करेंगे, दो डबल क्रोशिया एक चेन में, एक चेन, इस तरीके से यहाँ तक हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ये राउंड यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, मैंने हर जो हमने हाफ क्रोशिया चेन बनाया था, तो चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया दो बार बनाए, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया दो बार, फिर चेन, ऐसे बनाते हुए मैंने यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे ये भी 28 आए हैं। ये जो हमारे दो ये डबल क्रोशिया, इसको हम एक काउंट करेंगे, 1 2 3, ऐसे यहाँ तक ये हमारे 28 आ गए हैं, और यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे जो हमने 3 चेन्स ली थी, इसके अंदर थर्ड चेन में मैं ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, और धागे को हम कट कर देंगे। इसका वर्क ख़त्म, तो हम इसका इसको कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने ये अपना राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रेड वूल लगाएंगे, जैसे हमने अपनी ड्रेस में किया था। तो ये देखिए, जहाँ से मैंने अपना वर्क कट किया है, यहीं से मैं इसको फिर से धागे को ऐसे इसमें ले जाकर और ज्वाइन कर दूंगी। देखिए, ऐसे यहाँ पे ले जाकर एक चेन बनाकर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। पीछे से हम ये दोनों धागे भी अपने ऐसे साथ में लेते जाएंगे, ताकि ये भी एडजस्ट हो जाए। देखिए, हमारे नीचे वाले पहले धागे भी एडजस्ट हो गए हैं। ये देखिए, अब हमारी ये एक चेन बन गई है। हम इसको दो, ये हमारा यहाँ पर ही हम एक हाफ क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने अपना धागा ज्वाइन किया, ये जो हमारे दो डबल क्रोशिया इधर हैं, अब हम इसमें ले जाकर अपना, और ये नीचे से दोनों धागे हम अंदर लेते हुए इनको भी एडजस्ट करते हुए हम यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, और अब ये देखिए, जो हमने दो क्रोशियों के बीच में जो हमने चेन बनाई थी फ्रेंड्स, ये देखिए, जो हमने चेन बनाई थी, अब हम इसमें अपना डबल क्रोशिया करेंगे 4 बार। जैसे कि हमने ड्रेस में किया था, ड्रेस में हमने यहाँ पर 8 बार बनाया था, लेकिन ड्रेस बड़ी होती है फ्रेंड्स, कैप छोटी होती है, तो हम इसमें 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1, एक बार हमारा हो गया है, 2, नीचे से हम ये धागे को भी लेते रहेंगे, 3 एंड 4। अब ये जो 4 बार हमारे इसमें डबल क्रोशिए हो गए हैं। अब हमने ड्रेस में क्या किया था, हमने ड्रेस में इस चेन में ले जाकर हमने इसमें हाफ क्रोशिया बनाया था। अब हमें इसमें चेन में नहीं लगा ले जाना है, ये जो हमने दो डबल क्रोशिए बनाए थे एक साथ, हमें अब इसके अंदर ले जाते हुए हमें हाफ क्रोशिए से इसको जॉइंट कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। अब ये जो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेन है, इसके अंदर हम ले जाकर इधर से फिर से वही करेंगे, हम 4 बार अपने डबल क्रोशिया हम कर लेंगे। ओके, 1 2 3 4। तो ये देखिए, 4 बार ये हो गया है। अब ये जो हमारे दो डबल क्रोशिया हमने इकट्ठे बनाए थे, अब हम यहाँ पर ले जाकर इसको यहाँ पर हाफ क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए, बन गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेन थी, इसमें हम ले जाकर फिर से 4 बार हम वैसे ही डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम यहाँ तक अपना, ये देखिए, हम यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये पूरे ऐसे ही हम यहाँ तक बनाते हुए यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ पर मैंने ये अपने सारे राउंड, पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया, और ये भी हमारे 28 सी आए हैं। तो यानी कि जब हम इनको काउंट 28 ये आए हैं, तो हम इसको यहाँ पर, ये देखिए, इधर हम इसको जो हमने ये अपनी चेन बनाई थी,
यहीं पर हम इसको ले जाकर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और हम हमारा इसका वर्क ख़त्म हो गया है, तो हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, तो हमारे ये 28 सी आए हैं जो हमने क्रोशे बनाए हैं, ये 4 4, तो ये भी हमारे 28 सी हैं, तो यानी कि हमें इसमें 4 फ्लावर्स हम बनाएंगे इसके, तो 7 7 के 5 हमारे फ्लावर्स, 2 हम नीचे छोड़ेंगे, तो 7 4 जो 28, तो हमारे ऐसे यहाँ पर 4 फ्लावर्स, ये देखिए ऐसे हमारे ये 4 फ्लावर्स बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब हमने जैसे अपनी ड्रेस में येलो वूल यूज़ करी थी, वही हम येलो वूल लेंगे जहाँ से हमने अपना वर्क ये यहाँ पर एंड किया था, यहीं से हम अपनी येलो वूल को ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक चेन बनाएंगे, तो ये हमारी येलो ऊन हमारी यहाँ पर ऐड हो गई है। अब हम दोनों धागों को साथ में लेते हुए अब इसको वर्क को हम करेंगे जैसे हमने अपनी ड्रेस में किया था वैसे ही हम करेंगे। अब हमें अपनी हर एक चेन में क्या करना है, ये देखिए पीछे से हम दोनों धागे भी लेंगे अपने इसमें, ताकि वो भी एडजस्ट हो जाए। एक हाफ क्रोशिया चेन ऐसे ही जैसे हमने ड्रेस में किया था, ये जो हमारे 4 हमने चेन डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें से हमें ऊपर से हाफ क्रोशिया चेन, फिर से नेक्स्ट में से देखिए 1 2 3 हाफ क्रोशिया चेन, हाफ क्रोशिया चेन। ये देखिए जो हमने जहाँ पर हमने इसको हाफ क्रोशे से ऐड जॉइन किया था वहीं पर हम ले जाकर हम वही प्रोसेस करेंगे, हाफ क्रोशिया चेन और फिर नेक्स्ट में हाफ क्रोशिया चेन। तो ऐसे ही हम ये अपने बनाते हुए हम अपने 7 कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पहले हम यहाँ पर 7 तक अपने कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ऐसे ही हाफ क्रोशिया चेन बनाते हुए हम 7 अपने कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये 7 बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे 7 बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी 2 पेटल्स हैं, हमने अपनी ड्रेस में 3 छोड़ी थी लेकिन कैप में हम 2 छोड़ेंगे, 1 2 2 पेटल्स हम छोड़कर ये जो हमारा बीच वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4, हमने 4 पे 4 बनाया और बीच पे हमने एक ये किया, तो अपने ये 2 पेटल्स छोड़ के ये बीच में हम अपने क्रोशिया हुक को लेकर जाएंगे और ये 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 पेटल्स हैं हम इनको ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड करते हैं और ये जो हमने 5 कंप्लीट करें इसका जो ये हुक बचा है इसके अंदर अपना क्रोशिया हुक ले जाकर ऐसे खींच कर, और ये देखिए इसको ऐसे हम क्या करेंगे, इस वाली जो हुक है इसको हम इसमें से ऐसे निकाल देंगे और फिर यहीं पर हम ये देखिए जहाँ पे हमने इसके जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम ले जाकर इसको हम सिंगल क्रोशे से ऐसे, ये देखिए ऐसे हम जॉइंट कर देंगे, तो हमारा ये यहाँ पर जॉइन हो जाएगा और ऐसे ही ये फ्लावर बन जाएगा। अब ऐसे ही हम फिर से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया एक बना दिया है, डबल क्रोश हाफ क्रोशिया सॉरी, तो अब एक चेन हमने बनाई, अब फिर इसके नेक्स्ट में ले जाकर फिर से हाफ क्रोशिया चेन, हाफ क्रोशिया चेन, हाफ क्रोशिया चेन, तो ऐसे ही फिर से हम अपना पूरा प्रोसेस करेंगे। बीच में जाकर भी हमने वही किया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी फिर से 7 पेटल्स बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए मैंने 7 पेटल्स बना ली हैं। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ये देखिए 1 और 2
टू पेटल्स को हम नीचे छोड़ेंगे और जो इसका ये देखिए जो बीच का ये जो पार्ट है इसमें हम अपना क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे, और ये जो हमारी सेवंथ जो पेटल है इसके हुक में हम अपना क्रोशिया डालेंगे और इन दोनों को ऐसे पकड़कर ये हुक हम इसमें से ऐसे निकाल लेंगे और एक चेन इस तरीके से बना लेंगे तो ये हमारी यहाँ पर जॉइंट हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट चेन में ले जाकर वैसे ही करेंगे डबल क्रोशिया। चेन ये देखिए इस तरीके से फिर से हम फिर नेक्स्ट में ले जाकर डबल सॉरी हाफ क्रोशिया चेन हाफ क्रोशिया चेन। तो इस तरीके से देखिए हमारी एक और पेटल ये बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया, ये हमारे टू फ्लावर्स बन गए हैं। ऐसे ही हम फिर से अपनी सेवन पेटल्स में हाफ क्रोशिया चेन करते हुए सेवन पेटल्स अपनी फिर से बना लेंगे और फिर वही करेंगे दो स्किप करके बीच वाले में हम क्रोशिया हुक डाल के सेवन्थ पेटल के हुक में हम हुक डालकर इसको ऐसे ही ज्वाइंट कर देंगे। तो ऐसे हमारे ये फोर फ्लावर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से करते हुए हम यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ, मैंने यहाँ तक अपनी फुल सारी पेटल्स बना ली हैं। अब हम इसको यहाँ पर ये जो हमने स्टार्टिंग में दो पेटल्स छोड़ी थी यहाँ पर हम इसको एक चेन में ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम फिर से क्या करेंगे यहाँ से ये देखिए ये हमने कर ये वन टू पेटल्स को छोड़कर इसका जो बीच वाली ये जो चेन है जो कॉर्नर वाली है इसमें अपना क्रोशिया हुक ले जाकर और जहाँ से हमने ज्वाइन किया है इस वाले हुक में ले जाकर और इसको ऐसे पकड़कर ये देखिए और इसको हम इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से तो ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा और फिर हम यहीं पर एक बार और ले जाकर इसको डबल सिंगल क्रोशिया कर इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और अपने धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी फोर पेटल्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे जैसे हमने अपनी ड्रेस में किया था ये देखिए ये हमारी वन टू थ्री फोर फाइव हैं तो हम क्या करेंगे थ्री इधर से ये छोड़ देंगे ये यहाँ से नीचे से एक और ये जो सेकंड है ऐसे इधर से ये यहाँ से एक और ये जो इधर से सेकंड है इन दोनों को ऐसे यहाँ से को से हम पकड़ कर और यहाँ पर हम एक स्टिच लगा देंगे येलो वूल डालकर और यहाँ पर अपना एक मोती लगा देंगे जैसे कि मैंने आपको ड्रेस में बताया था। सेम वैसे ही कर हम यहाँ से इसको ऐसे पकड़ कर चारों कॉर्नर्स को हम जॉइन कर देंगे और एक एक अपना पर लगा देंगे तो हमारी ये कैप कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये हम सेकंड पेटल्स का पेटल का सॉरी ये बीच का लेंगे यहाँ से वन टू और ये हमने फोर बनाई थी तो इसके बीच में से हम ऐसे ये धागा उठाएंगे और ऐसे ही यहाँ से हम सेकंड पेटल का इसका भी हम बीच का ये उठाएंगे और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे इधर से और यहाँ पर हम ये देखिए जो हमने अपनी ड्रेस में लगाया था वही पर्ल लेंगे हम। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं ड्रेस के लिए भी और कैप के लिए भी दोनों के लिए। ये देखिए इसको सही से एडजस्ट करते हुए एक बार और निकाल लेंगे पक्का करने के लिए और इसको नीचे ले जाकर ये देखिए इस तरीके से और हम इसको नीचे ले जाकर एक नॉट लगा देंगे।
और अपने धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमारे पैटर्न यहाँ पर जॉइन हो गई है, ये देखिए। तो ऐसे ही हम अपनी सारी पेटल्स को जॉइन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये कैप सारे चारों तरफ से जॉइंट कर दी है और ये देखिए, ये देखने में ऐसे ही लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। अब ये देखिए इसके जो ये धागे हैं हम इनको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इसके ये धागों को हम ऐसे नॉट लगा देंगे इस तरीके से, और इनको हम अंदर, ये देखिए एक बार हम कैप को अपने उल्टा कर लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए जो हमारा ब्लू था और ये जो हमने स्टार्टिंग में धागा लिया था, इस पर भी हम नॉट लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुल ना सके टाइटली। ये देखिए, और इन धागों को हम अच्छे से नॉट लगाकर और यहाँ से हम कट कर देंगे, और इसको भी एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कैप कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो ये कितनी प्यारी लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार है और हमारी ये कैप भी बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी अपनी ऐसे प्यारी प्यारी ठाकुर जी की ड्रेसेस और लेकर आती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।